हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 22 फरवरी को यानी कि कल जिला मंडी के बल्क क्षेत्र में करीब 37 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत बल में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 22 फरवरी को जिला मंडी के बल्क क्षेत्र में करीब 37 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत बल में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास भी किया जाएगा। ये जानकारी बल के विधायक इंदर सिंह गांधी ने उपलब्ध कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री के बल आगमन पर अन्य कई मांगों को भी उनके सामने रखने की बात कही और उन्होंने अपनी मांगों को चैनल के साथ भी साझा किया। सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप में शिवरात्रि शुभ अवसर पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं तथा सरकार की तरफ से भी आपको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, 22 तारीख को मंडी आगमन पर बल विधान क्षेत्र में लगभग 37 करोड़ 27 लाख की राशि से यह उद्घाटन करेंगे, कुछ शिलान्यास करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे बल विधान क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधी जो कैंसर हॉस्पिटल हमारे नेचौक में पंगोटू ग्राउंड में बनेगा, जिसका वो शिलान्यास करेंगे। ये लिए हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। जो एक कैंसर की दर प्रतिदर बढ़ती जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इस विधान क्षेत्र में जो एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और साथ ही एक जो PHC बिल्डिंग लेदा में उसका उद्घाटन भी जो माननीय मुख्यमंत्री बंगोटू में जहाँ कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास होना है उसकी उद्घाटन भी उसी स्थान पर करेंगे और 1 करोड़ 65 लाख की राशि से वो राशि वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अनेकों कार्य जो बल में चले, जैसे हमारी बल में कई बसों से सदियों पुरानी मांग थी कि बल में मुद्रिका बस चला जाए और आज लोगों को 12-13 पंचायतों को मुद्रिका बस कवर कर रही है और लोगों को बहुत सुविधा प्रदान हो रही है, इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और जनता की तरफ से मैं उनसे अपील करूँगा जो शेष बच्ची हमारी कुछ मांगे हैं, जो जैसे सुंदर से बटाण बस जो बहुत अति आवश्यक है, जो एक मेडिकल कॉलेज को बहुत अच्छे रूप से आएगी जाएगी, मैं चाहूँगा इस सुविधा को प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री इसको विशेष रूप से कल हम इसको 22 तारीख को इसकी मांग रखेंगे और उसकी घोषणा करेंगे। ये मेरी आपसे इनसे निवेदन रहेगा। साथ ही जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस 22 तारीख को जो 37 करोड़ 27 लाख की राशि से लोगों को संपर्क करेंगे इन भवनों का, इन शिलान्यासों का, मैं सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए अशोक के साथ। नमस्कार।